भोपाल से बड़ी खबर, जहां मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल खोलने के बाद विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कोरोना बढ़ने पर एक बार फिर स्कूल बंद हो सकते हैं, तो सरकार इस पर फैसला ले सकती है। स्कूल बंद करने का फैसला कोरोना की स्थिति को देखकर लिया जाएगा, तो चयनित शिक्षकों को जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी, ये बात भी उन्होंने कही। हाईकोर्ट में बहस के बाद विभाग समीक्षा कर रहा है और जल्द ही फैसला हो जाएगा चयनित शिक्षकों के लिए भी। इसके अलावा स्कूलों से जुड़ी बात उन्होंने ये कही है कि सरकार स्कूल बंद करने का फैसला ले सकती है, कोरोना की स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। इंदर सिंह है मेरे साथ ही। स्कूल खुल गए हैं और स्कूल को लेकर अब अभी भी क्या चुनौती मानकर चल रहे हैं आप, जिस तरह से कोविड के कुछ? निश्चित रूप से कोरोना जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है तब तक सबको सावधानी से चलना होगा। सरकार भी सावधानी के साथ कदम उठा रही है। 9th से लेकर के 12th और फिर 6th से लेकर के 8th तक के तो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 1st से 5th तक के बच्चे निश्चित रूप से छोटे बच्चे होते हैं और हमारी प्राथमिकता यह है कि पहले हम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के ही सारा व्यवहार करेंगे। यदि कोरोना के प्रभाव बढ़ता है तो हम स्कूल बंद खोलने पर भी विचार करेंगे, लेकिन अभी स्कूल कल से ही प्रारंभ हुए हैं। हम चाहेंगे बच्चे आए, थोड़ा स्कूल का माहौल बने और कम संख्या में आए, रोज ना आए लेकिन बीच बीच में स्कूल में आए ताकि अपनी शिक्षा का निरंतरता बनाई रखें। चयनित शिक्षक के लिए क्या अच्छी खबर आने वाली, चूँकि हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद सुनवाई हो चुकी है, आगे और लगा है, लेकिन हम बहुत जल्दी चयनित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर ही देने वाले हैं। एक अंतिम सवाल था मेरा कि जिस तरह से ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर को लेकर कई स्कूलों में अतिशेष भी हो गए हैं, तो क्या इसको लेकर अलग से कुछ तैयारियां की जा रही, क्योंकि लगातार तमाम तरह के आरोप कांग्रेस भी लगा रही? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो ये है कि उन पे जो दाग लगे हैं वो पूरे लथपथ थे, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पर भी कुछ ना कुछ छिटा उछाल कर कहें कि देखो देखो हम चोर नहीं, ये भी चोरी करने वाले, ये जो सिद्धांत है उस पर काम करना चाहती है कांग्रेस। वो केवल अफवाह फैलाना चाहती है किसी भी प्रकार का, क्योंकि सब अधिकांश स्वैच्छिक ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस लोगों ने जहाँ मांगा है वहाँ ट्रांसफ़र हुए और पोर्टल के आधार पर ट्रांसफ़र हुए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुए, इसलिए ये सब चीज़ें। हाँ, कुछ जगह जिले में अपडेट नहीं होने के कारण से कुछ दो चार स्कूलों में आया है कि वहाँ ज़्यादा हो गए या किसी जगह पर स्वैच्छिक होने के कारण शिक्षक कम हो गए, उसका हम जल्दी निराकरण करके वो कर देंगे, जिलों में ही उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रक्रिया क्या दिखाई दे रही चयनित शिक्षक की, जैसा आप कह रहे हैं कि 27% आरक्षण की बात भी कही जाए? 27% आरक्षण की चयनित प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है, पर क्योंकि कोर्ट का स्टे है इसलिए किन किन बिंदुओं पर स्टे हैं उसके बारे में कल डिटेल में कोर्ट में बहस हुई है। आगे का जब निर्णय होगा उसके बारे में उसके बाद में उस विषय को आगे निर्णय करना। ये थे नरसिंह जी, जो कह रहे हैं कि चयनित शिक्षक को लेकर चूंकि हाईकोर्ट में बहस हुई है, लेकिन आगे के निर्णय के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, यानी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। लेकिन जहां तक बात है शिक्षकों के अतिशेष ट्रांसफर की, तो उन्होंने कहा है कि मापदंड के आधार पर ही किए गए हैं, लेकिन जहाँ कुछ होगा तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात कही है कि आने वाले दिनों में यदि कोविड का कुछ और असर दिखाई देता है तो हो सकता है कि स्कूल बंद करें पुनः। आशीष खरे के साथ मनोज।